हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ वीडियो जो कि बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो। मुझे अभी भी याद है, 2-3 साल पहले बहुत ही लाइनों से कमेंट आई थी कि भाई मेक अ वीडियो ऑन योर शू कलेक्शन। तो आज हम ये फाइनली कर रहे हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में ना हम रखने वाले हैं 2 शूज़ का गिव अवे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास बहुत शूज़ हो चुके हैं और मेरा घर इतना बड़ा है नहीं कि मैं उन सबको रख सकूं। अभी भी एक के ऊपर एक मैंने ऐसे ही रख रखे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि शूज़ को थोड़ा सा गिव अवे कर दो, किसी का भला हो जाए, हमारे सब्सक्राइबर्स का खासकर। तो भाई जिनकी वजह से मिला उनका भला होना चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो, तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। सो ये है मेरा पूरा शू कलेक्शन, पूरा नहीं, इसमें से अभी भी 3-4 पेयर्स मिसिंग है क्योंकि वो मैं वो अपने बाहर जाने के लिए नहीं रखता। वो मेरे ऐसे ही है कि मैं जिम चला गया, इधर उधर जा रहा हूँ, वहाँ पहन लिए। बट दिस इज माई एक्चुअल शू कलेक्शन। आप देख सकते हो कि इसमें ना ऑलमोस्ट आपको हर तरह का स्टाइल मिल जाएगा। आई हैव बूट्स, मेरे पास लोफर्स हैं, मॉन्क स्ट्रैप्स हैं कुछ, एंड मेरे पास ऑक्सफर्ड्स भी है जिसमें ब्रोक्स वाले ऑक्सफर्ड। स्नीकर्स मेरे पास यहाँ पर है, कुछ स्लिप ऑन स्नीकर्स हैं, एंड एक दो थोड़े से चमकी स्नीकर्स भी है मेरे पास। स्वेड में भी ऑप्शंस है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो शू कलेक्शन है वो बहुत ही कंप्लीट है। अभी भी कुछ ऐसे एक दो शूज़ है जो मैं लेना चाहता हूँ, बट अभी मेरे पास है नहीं। पर यार वो ना मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे अभी नीड लगती नहीं कि इतने सारे शूज़ है और वो भी ऐड कर दो, वो भी पैसे खर्च करके, तो मन नहीं मानता मेरा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें से ना कुछ शूज़ ऐसे हैं जो कि मैंने खरीदे हैं, कुछ शूज़ ऐसे हैं जो कि मुझे कोलैबोरेशंस में आए थे, ब्रांड्स ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो उन सब से ये पूरा एक कलेक्शन बना है। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही लंबे टाइम से मैं ये कलेक्शन बना रहा हूँ। अगर मैं आपको सबसे पुराना शू बताऊँ इस कलेक्शन का, तो वो होगा आई बिलीव दिस इज द ओल्डेस्ट शू विच आई हैव। ये मैंने तब लिया था जब मैं 11th क्लास में था, आज से कुछ शायद 4 या 5 साल पहले की बात है ये। तो आप देख सकते हो ये कलेक्शन इतना पुराना है। तब मेरे पास क्या है ना, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, जो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे मैं उन्हें सेव करता था, एंड मैं स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए सेव करता था कि मैं शूज़ लूँगा। तो चलो अब जल्दी से हम आपको अपने शूज़ दिखाते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा कैजुअल ऑप्शन से, एंड देन वील मूव ऑन टू द फॉर्मल वंस, ठीक है। सबसे पहले जो मैं गाता रहता हूँ हमेशा कि भाई आपके पास वाइट स्नीकर होना चाहिए, वाइट स्नीकर होना चाहिए, देखो मेरे पास कितने वाइट स्नीकर हैं। और इसमें से ना कुछ शूज़ ऐसे हैं जो कि मैं दे चुका हूँ, मतलब कि थोड़ा सा ख़राब हो गया तो किसी ऐसे को दे दिया जिसको नीड थी। तो मेरे बहुत सारे शूज़ के साथ ऐसा भी हो रखा है, तो वाइट स्नीकर उनमें से सबसे ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं क्योंकि मैं वाइट स्नीकर बहुत ज़्यादा लिया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाइट स्नीकर की, जो कि आप देख सकते हो इसकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी। ये मैंने लिया था लास्ट ईयर लिया था शायद, या शायद इतना ही टाइम हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैंने ज़्यादा से लिया था। ये वो स्नीकर है जिसका जिसके बारे में ना आप सब लोग बहुत पूछते हो कि भाई वाइट स्नीकर का लिंक दो, ये जो पहने हुए हैं वीडियो में, क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियो में यही स्नीकर्स पहने हैं। तो ये स्नीकर मैंने लिया था ज़ारा से, एंड इसका प्राइस था 3,000 रुपये। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना ये वर्थ इट नहीं लगा 3,000 का, एंड इसलिए मैं ये कहता भी हूँ कि H&M, ज़ारा, ये दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ लुक्स मिलते हैं, एस्थेटिक्स मिलते हैं, बट अगर आप बात कर रहे हो क्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती। इट वॉज नाइस, बट 3,000 में मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड के नाम दे सकता हूँ जो बहुत बढ़िया शूज़ देंगे आपको, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, लुक्स भी ठीक ठाक होंगे। बट अगेन, ये मुझे इसलिए पसंद आया था क्योंकि इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन था, ओवरऑल जो बिल्ड था, वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे मुझे वाइट स्नीकर पसंद है। तो भाई मैंने 3,000 रुपये खर्च कर दिए, एंड आई परचेज दिस। अभी क्या है, इसका ना थोड़ी सी बेकार कंडीशन हो गई, इसका लेदर उतर रहा है, स्टिचिंग हल्की सी खुल चुकी है, बट स्टिल इसका सोल ठीक है, अंदर का इनसोल भी ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जूते ना ये भी दान ही कर दूँ, कोई ना कोई तो ले ही लेगा। तो ये शूज़ अब मैं शायद रिटायर करने वाला हूँ, बहुत टाइम से पहने हुए नहीं है मैंने, क्योंकि अगेन मुझे भी थोड़ा सा और लगता था, वो थोड़ा सा फट चुका है, तो अब हम इस शो को रिटायर कर देंगे। आते हैं हमारे अगले वाइट स्नीकर पे। तो अब मैं आपको एक बार ये स्नीकर दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ना ऑफ वाइट कलर का है। ये मैंने लिया था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिए हुए, 3-4 महीने ही हुए होंगे, और ये स्नीकर है अमेजोन से लिया था मैंने, ये ईकन ब्रांड का है। दिस इज फॉर आई गेस 1500 रुपीज़। बट टू बी ऑनेस्ट, 1500 में ना इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो ओवरऑल बिल्ट है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही वर्थ इट लगा मुझे ये, और मैं इसको काफ़ी टाइम से पहन भी रहा हूँ।
अभी जो रिसेंटली मैंने शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह डाले उसमें मैं यही यूज करता हूँ। ये एग्जैक्टली वाइट नहीं है, थोड़ा सा ऑफ वाइट है। मैंने जब इसको ऑर्डर किया था ना तो मुझे लगा था कि इसका कलर ऐसा होगा, लेकिन ये ऐसा निकला। बट कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी यूज में ले रहे हैं। तो ये है हमारा सेकेंड वाइट स्नीकर। अच्छा, एक वाइट स्नीकर ये है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हो थोड़े से ना ऐसे डिजाइनिंग है ग्रीन कलर की, एंड इसमें ये मैश फैब्रिक भी है, लेदर भी है। और ये शू है जेडन का, ये मुझे कोलैबोरेशन में आया था। इसका प्राइस मेरे हिसाब से अभी प्राइस तो इसका ज़्यादा है, लेकिन जो मुझे कोलैबोरेशन में मिला था उस वक्त इसका प्राइस था अप्रॉक्स 1099 रुपीज़। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको डिस्काउंट में ले सकते हो। अच्छा, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी शूज़ आपको दिखा रहा हूँ ना आज, उन सभी के लिंक आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके लिंक ढूंढ पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत से शूज़ तो ऐसे दिख रहे हैं जिनका मैं अमेज़ॉन लिंक आपको दे सकता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे शूज़ हैं जो मैंने यू नो लोकल मार्केट से भी खरीदे हैं, तो शायद उनका लिंक मैं आपको ना प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ सिमिलर या फिर मिलता जुलता लिंक उससे दे दूँगा। अभी आते हैं हम अपने अगले वाइट स्नीकर पे। तो ये है वाइट स्नीकर, आप देख सकते हो ये ना मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, ठीक है, एकदम न्यू है ये, इसमें अभी टैगिंग भी लटक रही है। इसकी स्टोरी क्या है, ये मैंने लिया था ये अमेज़ॉन पे, मेरे हिसाब से कुछ 400 या 500 रुपए का मिलता है वाइट स्नीकर। तो मैंने देखा कि सबसे अफोर्डेबल वाइट स्नीकर कौन सा है, तो मुझे ये दिखा, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया कि मैं इसका एक रिव्यू कर पाऊँ। और क्योंकि भाई मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टूडेंट होंगे, ठीक है, आपके पास इतने अभी पैसे नहीं होंगे, तो आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हो, आप एक ऐसा ऑप्शन चाहते हो जो आपका बजट आपको अलाउ करे। तो इसलिए मैंने ये शू मंगवाया था कि चलो भाई ले लिया हमने 500 रुपए का शू, बट क्वालिटी मिल रही है उतनी, वर्थ इट है या नहीं, या आपको थोड़े से और पैसे खर्च करने चाहिए। तो जल्द से कोशिश करते हैं कि इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे पाऊँ या एक शॉर्ट्स बना के आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो ये थे आइडियाज सारे वाइट स्नीकर जो अभी मेरे पास है। अच्छा, एक और जो स्नीकर है, मैं वाइट तो नहीं कहूँगा, दिस इज ग्रे, एंड एज यू कैन सी दिस इज ओनित्सुका टाइगर, ठीक है। इसकी स्टोरी ये है, ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, आई गेस मेरा बर्थडे गिफ्ट था, या तो ये स्नीकर मुझे वहाँ से मिला था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ओनित्सुका टाइगर मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल शू लगा। इसका जो इंसोल है ना पतला है, लेकिन ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल शू है उसके बाद भी। एंड इसका जो कलर था, मैंने वो मुझे स्टोर लेके गया था, तो मैंने वहीं ये डिसाइड किया था कि चलो भाई वाइट कलर लेते हैं, क्योंकि अगेन भाई हम वर्सेटिलिटी वाले बंदे हैं, तो मैं ऐसा शू लेता हूँ जो हर एक चीज़ के साथ बढ़िया लगे, इसलिए मैंने वाइट और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया। ये आपको लिटरली बहुत सारे कलर में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा। एंड मुझे लगता है कि शायद स्पेसिफिकली मैं आपको इस कलर का लिंक ना दे पाऊँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक वीडियो इस पर डाल रखी है और उस वक्त भी इसका लिंक नहीं मिला था। अगर मिल गया तो दे दूंगा, वरना क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिमिलर ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये थे भाई अब सारे स्नीकर वाइट कलर में, पैर थक गए मेरे। अब आते हैं हम हमारे ब्लैक ऑप्शंस पर कि मेरे पास ब्लैक कलर के कौन कौन से स्नीकर्स हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये दिखाऊंगा मैं आपको, ब्लैक लेदर स्नीकर जो कि है इजॉक ब्रांड का, एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसका जो प्राइस था वो था शायद 4000 रुपये, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ड्यूरेबल शू है और बहुत ही भारी शू है। आप इसे उठाओगे ना आपको पता चलेगा कि भाई वेट है इसमें, एंड कंफर्टेबल भी बहुत है। और ये मुझे कोलैबोरेशन में मिला था, तो मुझे याद है मैंने पिछले साल ही कोलैबोरेशन की थी, तब मुझे ये शू मिला था, एंड इट इज़ रियली नाइस। इजॉक के शूज़ मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, थोड़े से प्रीमियम साइड पर है, लेकिन क्वालिटी वो अच्छी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। इजॉक एक ऐसा ब्रांड है जो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर आप शू लेना चाहते हो उनके पास आपको कैजुअल भी मिल जाएंगे, फॉर्मल भी मिल जाएंगे, दोनों तरीके के शूज। अच्छा, एक और जो ब्लैक स्नीकर है मेरे पास वो ये है जेडन का, इसका ही ब्लैक कलर है ये, एंड ये शू। अच्छा, जेडन की जो सबसे खास बात मुझे लगी, ये ब्रांड का मैं नाम लेना चाहूंगा, जेडन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल शू बनाता है यार। मतलब आप इसमें पैर रखोगे ना, आपको लगेगा आपके पैर को ना चारों तरफ से किसी तकिए में कवर हो गया हो आपका पैर, इतना कंफर्टेबल शू है ये। मैंने आज तक इससे ज्यादा कंफर्टेबल स्नीकर नहीं पहना, और टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस में ये इस लेवल का कंफर्ट, दिस इज अनमैचेबल। और एक और जो ब्लैक स्नीकर है मेरे पास वो ये है स्लिप ऑन, ये शू मैं बहुत ज्यादा रगड़ता हूँ, मतलब ये मेरा कह सकते हो एवरीडे शू है। मैं कहीं भी ऐसे बाहर उठ के जा रहा हूँ तो मैं ये शू पहन जाऊंगा, क्यों, पहनना इजी है, स्लिप ऑन है इसलिए, सिंपल, नथिंग एल्स। बट दिस वन इज आई गेस फ्रॉम एक्सट्रीमो,
इसका मैंने आपको डेडिकेटेड शॉर्ट बनाकर दिया था कि ये शू आपको लेना चाहिए आपके समर वार्डरोब के लिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो भाई अब स्नीकर तो हो गए, आप देख सकते हो मेरे पास ना कोई बहुत ही ब्रांडेड स्नीकर्स नहीं है, जॉर्डन वॉर्डन हम नहीं लेते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 हज़ार रुपये एक स्नीकर पर खर्च कर देना, वो भी एक ऐसा ब्रांड नाइकी जो जिसमें जो आपका आधे से ज़्यादा अमाउंट है ना वो उसके प्रीमियम में जाएगा। शूज़ की क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी 20-25 हज़ार वाली, बस आपको एक वो टिक के पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक वर्थी इन्वेस्टमेंट है 20-25 हज़ार रुपये खर्च करना। वहीं 20-25 हज़ार का मैं कोई यू नो एक छोटे ब्रांड से एक शू लूँगा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी दे देगा, एंड टू बी ऑनेस्ट 20-25 हज़ार में बहुत सारे शूज़ आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जॉर्डन में इन्वेस्ट करना मेरे लिए वर्थी है। आई नो आप में से बहुत लोगों को पसंद होगा, बट अगर टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको जॉर्डन का वो स्टाइल पसंद है तो वैसे स्टाइल आपको बहुत सारे ब्रांड में कम पैसे में मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर आप वो पहनना चाहते हो, या फिर अगर मेरे जैसा बंदा हो भाई मैं तो सिंपल कहता हूँ अगर तुम्हें जॉर्डन पहनना है और आपको 20-25 हज़ार नहीं खर्च करने तो सिंपल फर्स्ट कॉपी ले लो यार, दैट्स इट। हाँ, लेकिन पहन के हवाबाजी मत करना कि जॉर्डन पहना हुआ है, वो गलत है। ठीक है, सिंपल बी ऑनेस्ट भाई, जॉर्डन इसलिए पहने क्योंकि वो स्टाइल मुझे अच्छा लगा, वो पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे अच्छा लगा, 20-25 हज़ार नहीं खर्च कर सकते थे इसलिए फर्स्ट कॉपी ले ली, सिंपल, कोई चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, दैट्स इट। ये था हमारा स्नीकर कलेक्शन, अब आते हैं हम हमारे लोफर्स पर। ठीक है, लोफर्स में मेरे पास 1, 2, 3, 4 तो मेरे पास 4 लोफर्स है, ना जाने मुझे ये कम लग रहे हैं, मेरे पास और भी लोफर्स हैं, पता नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये वाला लोफर दिखाते हैं जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी फॉर्मल आउटफिट के साथ यही पहनता हूँ। दिस इज़ अ ब्लैक लोफर फ्रॉम इज़ॉक, लेदर लोफर है ये और बहुत ही क्लासी डिज़ाइन है इसका, बहुत ही सिंपल लोफर है, आप अगर कोई यू नो डार्क फॉर्मल आउटफिट पहन रहे हो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी मुझे कोलैबोरेशन में मिला था और इसका प्राइस भी 4,000 रुपये है, बट द लेदर, द ओवरऑल कम्फर्ट और जो इसका पूरा एस्थेटिक है वो इसको बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये शू, ये सेम शू किसी ब्रांड में जाके लूँगा तो ये आराम से 7, 8, 10 हज़ार रुपये का मिलेगा। मैं आपको अभी 2-3 ब्रांड के ऐसे नाम बता सकता हूँ जहाँ आपको अगर ये सिमिलर स्टाइल आप लेने जाओगे आपको 10 हज़ार से नीचे मिलेगा नहीं, तो मुझे उस हिसाब से बहुत बढ़िया लगा ये, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस शू। इनफैक्ट इसका जो सोल है ना वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मिनिमल सोल है और बहुत ही रिच लगता है, कोई नॉर्मल सोल नहीं लगता कि जैसे आपको लोकल मार्केट पे सोल्स दिख जाते हैं ना जूतों के नीचे, वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन का सोल है इसका। अगला शू जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, जो मॉन्ग स्ट्रैप लोफर्स, ये पिछले साल मैंने लिए हैं और टू बी ऑनेस्ट ये शू ना मुझे इतना बढ़िया लगा, मतलब इसका कम्फर्ट अच्छा था, ठीक है, इसका लुक बहुत अच्छा था, एंड इसके जो कलर्स थे ना उनकी, मतलब अमेजोन से ही मैंने लिया था और अमेजोन पे इसके कम से कम 4-5 कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और कलर मंगा लिया। अच्छा, अब मुझे याद आया मेरे पास इसके 3 कलर्स हैं, एक मेरे पास ये टैन कलर में भी है, तो एक मैंने ये मंगाया, एक मैंने ये मंगाया और एक मैंने टैन कलर मंगाया। जो ब्रांड है ये है मूता किनोती, मैं चैनल पर पहले बात कर चुका हूँ, इनके जितने भी शूज़ होते हैं ना वो आपको 1,100 रुपये के मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी 1,100 रुपये में ना जो इनका डिज़ाइन होता है दैट इज सो गुड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने लेकिन ये आपको इतना प्रीमियम डिज़ाइन वाले शूज़ देंगे ना, ये तो ये सिर्फ मॉन्ग स्ट्रैप लोफर्स है, इनके पास मॉन्ग स्ट्रैप्स भी है, ऑक्सफर्ड्स भी है, पेनी लोफर्स है, स्वेड लोफर, टासल लोफर्स है, तो आपको हर तरह का स्टाइल मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो ना कि आपको 1,100 रुपये में एक डिसेंट फॉर्मल शू मिल जाए तो मूता किनोती इज़ द ब्रांड फॉर यू। ये शू मैंने अगेन अमेजोन से लिया था, ये प्राइस मेरे हिसाब से 1,099 था, 1,100 रुपये, तो अफोर्डेबल शू है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक इन्हें इतना यूज़ किया नहीं है, बट अभी क्योंकि समर्स आ रही है तो मैं शायद ये वाला शू इस बार थोड़ा यूज़ करूँ, मेरा मन है ये वाला कलर पहनने का, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही क्लासी कलर है, तो शायद मैं इस बार ये पहनूँ। अब आते हैं हमारे ये इस लोफर पर, तो इस लोफर की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है आप में से ना बहुत लोगों ने इसका लिंक मांगा है कि भाई अपने ब्लैक लोफर्स का लिंक दो और मैं कभी दे नहीं पाया आपको, एंड द रीज़न इज ये मैंने एक लोकल मार्केट से खरीदा था सरोजनी नगर, उस वक्त ना मेरा शायद 12th में टीचर्स डे जो पार्टी होती है उसके लिए मैंने ये खरीदा था। तो ये शू जो मुझे इसकी कॉस्ट थी वो थी कुछ 1200-1300 या मैक्सिमम 1500 रेंज यही थी, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रहा। और ये शू मैं तब से आज तक बहुत बार पहन चुका हूँ, पता नहीं मैं
आपको बता भी नहीं सकता मैंने इसे कहाँ कहाँ पहना है, कितनी बार पहना है, हर एक आउटफिट के साथ मैं एक्चुअली इसको ट्राई कर चुका होगा। और ये शू इतना पुराना है कि ना मैं इसका जो सोल है ये एक बार खराब हो चुका था तो मैंने एक नया सोल इसमें डलवाया। एंड द रीजन इज कि मैंने एक दूसरा लोफर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी तक ना एक ऐसा लोफर नहीं मिला, स्पेशली टासल लोफर, जिसकी शेप इसके जैसी हो। इस शू की जो शेप है वो इतनी प्रीमियम है, जो एक होता है ना कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से हैंडक्राफ्टेड शूज बना के देते हैं, तो इस शू की जो पूरी लुक है वो ऐसी है कि ये मेरे पैर के लिए ही बना है। अगर अब मुझे ये शू अगर दोबारा कभी मिला तो मैं ले लूँगा। मुझे अभी भी शॉप याद है, सरोजनी नगर में एक स्टोर है बिग सी, उसके बगल में ही लेफ्ट साइड में एक सरदार जी की दुकान है, तो वहाँ एक बार जाऊँगा मैं एंड देखता हूँ अगर मुझे ये दोबारा मिला ये एग्जैक्ट लोफर तो मैं खरीद लूँगा, वरना जब तक ये चल रहा है इसको चलाएंगे, अदरवाइज दूसरा एक लोफर देखेंगे टासल जो थोड़ा सा सिमिलर शेप का हो। अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो थोड़ा सिमिलर लिंक हो, जो ऐसा शू आपको मिल जाए वो मैं आपको दे सकूँ। एग्जैक्ट मिल गया तो सबसे पहले तो मैं ही खरीदूंगा, और अगर मिलता है तो आपको भी जरूर देंगे। ओके, आते हैं हमारे अगले शू पर। अब मेरे हिसाब से हमारे ये शूज तो हो गए, अब बचे हमारे बूट्स, ठीक है, तो बूट्स को करते हैं कवर। अब बूट्स, अच्छा बूट्स से पहले मैं ये ऑक्सफोर्ड आपको दिखाना चाहूंगा। ये ऑक्सफोर्ड भी जैसे कि मैंने कहा सबसे पुराना शू है इस कलेक्शन का, जो कि मैंने लिया था 11th में, और मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये वाला शू मैंने बहुत ही थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के लिया था। इस शू का जो प्राइस था वो था शायद 2900 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ का था, और उस वक्त यार पता है बहुत बड़ी बात थी 3000 रुपये, क्योंकि बहुत कम कम पैसे मिलते थे पहली बात तो, और फिर उनको बहुत लंबे टाइम तक सेव करके ये शू लेना वॉज अ बिग डील। दिस शू इज़ फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर ब्रांड विच इज़ हश पपीज़, और यार आप देख सकते हो कि इसका ना अभी तक लेदर वैसे का वैसे ही है, क्वालिटी इस शू की बहुत ही बढ़िया है, इसमें कहीं भी ना ही एक टीयर है ना ही लेदर कहीं से पील ऑफ हुआ, स्टिचिंग वैसी की वैसी है, और इस शू को भी मैं बहुत बार पहन चुका हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो 3000 रुपये ना बहुत ही एकदम किफ़ायती थे, वसूल कर लिए मैंने सारे पैसे। एंड दिस इज़ वट आई से कि जब आप एक क्वालिटी वाला शू लेते हो ना, जो आप थोड़े पैसे खर्च करके लोगे वो चलता भी उतना लंबा है। आप ये मत देखो कि आप उसमें कितने पैसे डाल रहे हो, आप ये देखो कि आप उसको कब तक पहनोगे, और ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इस बात का। एंड दिस वॉज अ ब्रोक ऑक्सफोर्ड, जब मैं थोड़ी सी फॉर्मल आउटफिट्स पहनने लगा था तो मैंने उस मतलब अपनी उन आउटफिट के लिए शू लिया था, जो कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनको अभी अपनी फॉर्मल आउटफिट के साथ पहनता हूँ, मैं अपने सूट्स के साथ पहनता हूँ, एंड अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं इन्हें थोड़े टाइम में या जल्द ही कभी रिटायर करूँगा, जब तक ये चल रहे हैं चलेंगे, और फिर एंड में मैं इन्हें भी दान कर दूँगा। अब आते हैं हमारे बूट्स पर। तो इस पूरी कलेक्शन में जो मैं कहूँ सबसे महंगे शूज़ हैं वो है मेरे बूट्स, एंड और ये ऐसे शू है जो कि मैंने खुद खरीदे, ना मुझे कोई कलेबरेशन आई ना मुझे किसी ने गिफ्ट किए, ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये मैंने खुद खरीदे। तो सबसे पहले ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है ये स्वेड लेदर बूट। ये मैंने शायद मैंने कौन से ब्रांड से लिया, शायद टीक वुड लेदर ब्रांड का है ये, हाँ उसी का है। और इस शू का जो प्राइस था वो था 4000 रुपये, ये इसका ओरिजिनल प्राइस नहीं था, डिस्काउंट के बाद मुझे 4000 रुपये का मिला था, ये अमेजोन से लिया था मैंने। और ये शू मैंने तब लिया था, शायद लास्ट ईयर लिया था ये मैंने अपनी विंटर आउटफिट्स के लिए। मैं एक बूट लेना चाहता था कि मैं अपनी डार्क ब्लू जीन्स के साथ पहन पाऊँ, तो मुझे डार्क ब्राउन बूट सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा, तो मैंने ये लिया। बट जो मैंने इसमें पैसे खर्च किए, मैं कहूँगा कि मुझे ना वो वापस नहीं मिल पाया रिटर्न अपना, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है ये मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा लूज है, जब मैं इन्हें पहनता हूँ ना तो ये थोड़ा सा खुला हुआ दिखता है, एंड आई डोंट लाइक दैट, और उसी की वजह से मैंने ये शूज़ शायद इतना पहना भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ ये मैंने कितनी बार पहना होगा, तो बहुत, अगर मैं बहुत ज़्यादा खींच दूँ तो 7-8 बार पहना होगा मैंने। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं शूज़ को इतना नहीं पहन पाया। और यार मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास इतना बड़ा कलेक्शन होता है ना, आप ये सिर्फ एक हवा वाली बात हो जाती है कि आपने सिर्फ दिखाने के लिए रख रखा है। मैं हार्डली इनमें से 4-5 शूज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस पहनता हूँ। जब मेरे पास इतने शूज़ नहीं थे ना, जब मेरे पास सिर्फ 2 या 3 शूज़ थे, तो मैं भी यही सोचता था कि एक दिन मेरे पास बड़ा कलेक्शन होगा और मैं बदल बदल के शूज़ पहनूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके पास इतने शूज़ होंगे ना, आप खुद नोटिस कर लोगे, आप खुद देख लेना ये बात कि आप पहनोगे वही 3-4 शूज़ जो आपको पसंद है,
अगर मैं आपको इनमें से बताऊं तो मैं एक ये शू पहनता हूं, एक ये शू पहनता हूं, एक ये शू पहनता हूं। फॉर्मल्स की बात करूं तो मैं एक ये शू पहनता हूं, एक ये पहन लेता हूं, या बहुत ही अगर जो थोड़े ओकेजंस होते हैं उनमें मॉन्ग स्ट्रैप पहन लेता हूं। उसके अलावा ये सारे शूज ऐसे के ऐसे ही रखे रहते हैं, कभी अगर मन कर गया तो एक आध पहन ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैंने ये सारे कभी भी पहने होंगे 3 या 4 बार से ज़्यादा। तो यही है बड़ी कलेक्शन की एक डिसएडवांटेज कि शूज सिर्फ रखे रह जाते हैं, पहनते आप वही 4-5 हो, जो कि मैंने अभी अपनी रीसेंट वीडियो में कहा भी था, जो मैंने अभी बनाई है ना 5 must-have shoes, कि भाई बड़ा कलेक्शन आप बना तो लेते हो लेकिन पहनते आप वही घुमा फिरा के 4-5 shoes हो। अगर वो वीडियो नहीं देखी देखना जरूर, यहाँ मैं लगा दूंगा। इट्स अ वेरी नाइस वीडियो, 5 ऐसे शूज जो आपके वार्डरोब में होने चाहिए, जो आपको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बूट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बूट पर, जो कि इस कलेक्शन का प्रोबेबली सबसे महंगा शू है। एंड वैसे सबसे महंगा मैं कहूंगा ये है, इसका प्राइस 8,000 था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 10,000 था। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड हेरिटेक लंडन, और ये बूट ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं शूज की पिक्चर देख के बता सकता हूँ कि उसकी शेप कैसी होगी, एंड जब आप उसको ऑर्डर करोगे इन पर्सन जब वो आएगा तो वो कैसा होगा। और ये एक ऐसा शू था जिसकी जो पिक्चर थी अवेलेबल ऑनलाइन अमेज़न पर, मैं उससे बता सकता था कि इसकी जो क्वालिटी होगी और इसका जो ओवरऑल शेप होगा वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो टो है वो ना बहुत ज़्यादा राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा बॉक्सी है, थोड़ी सी पॉइंटेड टो है जो मुझे पसंद है। एंड जब ये मैंने रिसीव किया, जब ये मेरे घर पर आया और मैंने खोल के देखा, तो आई वॉज यू नो वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ओवरऑल लुक। ये शू हालांकि मैंने 9-10 हज़ार का खरीदा नहीं है, ये मैंने डिस्काउंट पर लिया था, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा था एक बंदे का इस शू पे कि उसने ये शू कुछ 3 या 4 हज़ार रुपये का खरीदा था। तो मैंने सोचा भाई चलो डिस्काउंट आता होगा तो वेट कर लेते हैं। तो मेरे कुछ 1 या 2 महीने के वेट के बाद ये शू मुझे मिला कुछ 5,500 रुपये का। तो मैंने 5,500 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि भाई मैं पहले तो 9-10 हज़ार रुपये में ही खरीदने वाला था, बट क्योंकि मुझे लगा 5,500 रुपये अच्छी डील है तो ले लो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 5,500 रुपये मेरे कोई बेकार नहीं गए। अगर इस शू की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छा है। इसका जो क्लोजर है वो भी जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा लूज लगता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। लेदर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। एंड जब आप इसको अपनी जीन्स वगैरह के साथ पहनते हो या फिर आप कोई विंटर आउटफिट कैरी कर रहे हो तो उसके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर जब मेरे पास ये बूट हो गया था कि मेरे पास भाई एक डार्क ब्राउन बूट है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी ऑल ब्लैक आउटफिट्स है ना विंटर वाली, उन पे डार्क ब्राउन बूट पहनना इज नॉट गुड। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ऑर्डर की एक ब्लैक चेल्सी बूट, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता था कि ये भी एक असेंशियल है, अगर आप बूट्स ऐड कर रहे हो तो ब्लैक चेल्सी बूट होना इज नेसेसरी, क्योंकि आप इनको सूट्स के साथ पहन सकते हो, ऑल ब्लैक आउटफिट के साथ स्पेशली मुझे बहुत पसंद है पहनना। ऑल ब्लैक आउटफिट अगर मैं पहन रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जो फुटवेयर है वो भी ब्लैक रखूँ, और ये मैं ब्राउन के साथ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ब्लैक चेल्सी बूट मंगवाए। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड फ्रीकस्टर, 2,000 रुपये के मिले थे ये मुझे, बट 2,000 रुपये में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इनकी, बहुत ही बढ़िया लुक है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि इनका लुक इनसे ज़्यादा बेटर है, पैसे भी मैंने डबल दिए हैं, बट स्टिल ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा ब्रांड है। अगर आप थोड़े बजट पे बूट्स लेना चाहते हो, फ्रीकस्टर इज अ ब्रांड विच यू शुड रियली गो फॉर। ये था हमारा सेकेंड चेल्सी बूट। अब आते हैं हमारे एक स्वेड बूट पर, जो कि चका बूट है। ये इस पूरे कलेक्शन का आई गेस आखिरी शू है। हाँ, मैं सारे दिखा चुका हूँ, और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये एक ऐसा शू है जो कि मैंने सबसे कम पहना है इनमें से। मुझे सिर्फ 2 इंसिडेंट याद आ रहे जब मैंने ये शू पहना था, और मुझे उसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कभी दोबारा पहना है या नहीं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसे सिर्फ 2-3 बार पहना है, बट ये मैंने लिया क्यों था, शायद मुझे एक डिफरेंट कलर का बूट ऐड करने का मन हो रहा था तो मैंने ले लिया, और इसका प्राइस भी ठीक ठाक था। मैं इसका ब्रांड भूल गया कि मैंने किस ब्रांड से लिया, एक मिनट चेक करता हूँ, इसमें ब्रांड लिखा हुआ नहीं है, अपने ऑर्डर्स चेक करूंगा एक बार फिर बताता हूँ आपको, लेकिन मुझे इसका प्राइस याद है, शायद कुछ 1500 से 2,000 के बीच में था, इसलिए मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे लगा चलो इतने में मिल रहा है ठीक है। बट इट्स अ नाइस शू, ठीक है, ग्रे कलर है इसलिए मैं कहूँगा मैंने इतना ज़्यादा पहना नहीं, बट स्टिल मुझे इसका बेल्ट, मुझे इसका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अच्छी लगी, एंड 1500-2,000 रुपये में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ये था हमारा आखिरी बूट,
And this concludes our collection. ये थी मेरी सारी shoes की collection. I have sneakers, I have loafers, I have boots, I have long straps, I have oxfords. ठीक है, ये सारे shoes हैं हमारे पास. कोई popular shoe नहीं है, off-white, Jordan, ये सब हम add नहीं करते. In future शायद कभी कभी एक आध ऐड कर लूँ अगर मन किया तो, बट मुझे लगता नहीं मेरा मन करेगा. अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है मुझे और कौन से शू ऐड करने चाहिए अपने कलेक्शन में. पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक या तो जोधपुर बूट होता है शायद उसका नाम, वो ऐड करूँ, या फिर मॉन्ग स्ट्रैप बूट्स ऐड करूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. तो वो एक ऐसा शू है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ. एक और शू जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है ब्लैक होल कट. मैं जल्द ही एक ब्लैक सूट यू नो स्टिच करवाने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए एक ब्लैक ऑक्सफोर्ड लूँ. बट ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मुझे पसंद है एक होल कट, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो अपने वार्डरोब में ऐड करूँ. ब्लैक होल कट का क्या है, मैंने अमेज़ॉन पे बहुत ढूंढा बट बहुत महंगे महंगे हैं यार, 10,000-12,000. तो देखते हैं, अगर मिलता है तो लेंगे, वरना थोड़े किसी और शू से काम चला लेंगे हम अपने ब्लैक मॉन्ग स्ट्रैप से काम चला लेंगे अपने ब्लैक सूट पर. तो बस यही था आज की वीडियो. जल्दी से आप मुझे बताओ कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा, नीचे कमेंट का आपका वेट करूंगा. और मेरे पास ना थोड़े से न्यू शूज भी हैं, मैंने अभी अनबॉक्सिंग नहीं की उसकी, बट मैं वो रखना नहीं चाहता आपके पास. तो अब करते हैं चलो गिव अवे एक, ठीक है. मैं गिव अवे करूंगा शूज, आपको मैं अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कौन सा है. अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो बढ़िया, नहीं करते तो ये रहा मेरा क्या बोलते हैं यूजर नेम @hemandup, जाओ सर्च करो, फॉलो करो, ठीक है. अब उस पर मैं क्या करूंगा, मैं उस पर आपको बताऊंगा मेरे पास कुछ शूज हैं जो मैं गिव अवे करना चाहता हूँ. और तो आपको क्या करना है, जितने भी जो भी 9 साइज के शूज पहनते हैं UK 9, ठीक है, 9 नंबर का जिनका पैर है, मुझे नीचे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपको इस लिस्ट में से सबसे बढ़िया शू कौन सा लगा. और आपको चलो एक कमेंट और कर देते हैं, या उसके आगे लिख देना #giveaway, ठीक है. गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की ये शर्तें हैं, आपको ये दो चीज करनी है. और जो भी एक लकी विनर होगा, एक नहीं दो, मेरे पास दो शूज है, ठीक है, जो भी दो लकी विनर्स होंगे मैं उनका वो शूज भेजूंगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर यू कमेंट #giveaway एंड द बेस्ट शू ऑफ दिस कलेक्शन अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है. अब मिलते हैं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में. आई होप यू लाइक दिस वन. स्टे ट्यून्ड एंड एज आई यूजुअली से सी यू सून.